कैसा था धरती पर वो आखिरी दिन जब खत्म हुए डायनासोर। दोस्तों, पृथ्वी पर विनाशकारी दिनों में से वो एक दिन वैज्ञानिकों ने मेक्सिको की खाड़ी से मिले एक 130 मीटर की चट्टान के एक टुकड़े पर परीक्षण किया। इस चट्टान में मौजूद कुछ ऐसे तत्व मिले हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि 6.6 करोड़ साल पहले की यह क्षुद्र ग्रह एस्ट्रोल्ड के पृथ्वी से टकराने के बाद ये जमा हुई थी। इसके प्रभाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये वही उल्का पिंड है जिसके कारण विशाल डायनासोर लुप्त हो गए थे। वैज्ञानिकों ने जिस चट्टान का अध्ययन किया वो जिसे स्तनपाई युग के नाम से जाना जाता है। ये चट्टान बहुत से बिखरे हुए तत्वों का मिश्रण है, लेकिन रिसर्चरों का कहना है कि ये इस तरह से बटे हुए हैं कि ये इनके अवयव की पहचान हो जाती है। नीचे से पहले 20 मीटर में ज़्यादातर कांच का मलबा मिला है जो गर्मी और टक्कर के दबाव से पिघली चट्टान में बना है। इसका अगला हिस्सा पिघली चट्टानों का बना हुआ है, यानी विस्फोट के कारण गर्म तत्वों पर पानी पड़ने के कारण हुआ है। ये पानी उस समय मौजूद समुद्र से आया था। शायद उस समय उल्कापिंड गिरने के कारण समुद्र का पानी बाहर आ गया था। जब यह पानी गर्म चट्टान पर गिरा, एक तीव्र क्रिया हुई होगी। ये वैसा ही था जैसा ज्वालामुखी के समय होता है जब कभी ज्वालामुखी पानी के संपर्क में आती है। तो अब सवाल यह है कि डायनासोर कैसे लुप्त हुए, तो चलिए अब दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं। वैसे तो डायनासोर खत्म होने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। अक्सर लोग प्रलयकारी ठंडक को विनाशकारी कारण मानते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक अब मानते हैं कि धरती पर डायनासोर की समाप्ति का वजह विशाल ज्वालामुखी था जिसके लावा से उसकी प्रजाति पूरी खत्म कर डाली थी। कुछ वैज्ञानिक भूख की वजह मानते हैं तो कुछ उल्का पिंड गिरने का डायनासोर समाप्ति का खास वजह मानते हैं, लेकिन इसके पीछे का अब तक राज कोई नहीं जान पाया है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।